फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे तुर्किश प्रीमियर लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से कायसेरीस्पोर और कोनयास्पोर के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से भी देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस कायसेरीस्पोर तुर्किश प्रीमियर लीग में फिलहाल के टाइम पर 10th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें कोनयास्पोर फिलहाल के टाइम पर 2nd पोजीशन पर है। तो गाइस इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए कोनयास्पोर की फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये फिलहाल के टाइम पर तुर्किश लीग की टॉप बेस्ट टीम है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारे स्मॉल टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए जिनमें से अभी तक कायसेरीस्पोर ने एक भी मैच विन नहीं किया, बल्कि 2 मैच ड्रॉ खेले और 3 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी कायसेरीस्पोर कोनयास्पोर के सामने खेलती तो प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती, बल्कि प्रत्येक 2 मैच में इस टीम के सामने 1 या 2 गोल पर मैच करती है। लेकिन डिफेंस वाइज प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तो इस टीम के सामने पर मैच में 2 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है कायसेरीस्पोर का अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को लॉस करने तक। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया उस मैच को कोनयास्पोर अपना होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 2-0 से मैच को विन कर गए। अटैकिंग वाइज 2 गोल के, लेकिन डिफेंस गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे भी मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच को इन दोनों टीमों ने डिफेंस वाइज ड्रॉ खेला। लेकिन उससे भी मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच को कायसेरीस्पोर ने अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 2-1 से मैच को लॉस कर लिया। लेकिन उससे भी मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच को इन दोनों टीमों ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए, लेकिन डिफेंस से भी 2-2 गोल कंसीड किए। और उससे भी मुकाबले फिर इन टीमों बीच मैच हुआ और उस मैच को भी कोनयास्पोर 2-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज 2 गोल के, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हेड टू हेड में कोनयास्पोर का जो रहा है काफी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो इसीलिए मैं कोनयास्पोर को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस कायसेरीस्पोर ने करंटली खेले हैं 6 मैच जिनमें से 3 मैच विन करे हैं, 1 मैच ड्रॉ खेला है, 2 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो ये टीम पर मैच में 2 गोल या 3 गोल भी कर देती है। लेकिन डिफेंस वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तो एक हल्की टीम के सामने गोल कंसीड नहीं करती, और एक एवरेज टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक इस टीम का इक्वली देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच कायसेरीस्पोर अलान्यास्पोर के सामने 2-1 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उससे भी मुकाबले बेसिकतास के सामने टीम 2-1 से मैच को विन भी की है, और एक मैच ट्रैप जोन्सबर्ग के सामने टीम 3-2 से मैच को लॉस की है। तो गाइस प्रत्येक मैच में गोल करती तो है, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। लेकिन उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने खेले, 2 मैच इस टीम ने विन किए हैं और 1 मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ भी खेला है। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड कर देता है। अब गाइस बात आती है कोनयास्पोर का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस कोनयास्पोर ने करंटली खेले हैं 6 मैच जिनमें से सिर्फ 1 ही मैच इस टीम ने विन किया है, 1 मैच ड्रॉ खेला है, 4 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 2.2 गोल पर मैच स्कोर किया है, लेकिन डिफेंस अभी प्रत्येक मैच में 3 गोल एवरेज है इस टीम का। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच कोनयास्पोर गलातासराय के सामने 2-0 से मैच को विन कर गा रही है, और गलातासराय जो कि काफ़ी अच्छी टीम है उस टीम के सामने टीम 2-0 से मैच को विन किए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इस टीम का डिफेंस और अटैक कितना शानदार है। लेकिन उससे पिछले जितने भी मैच इस टीम ने खेले या तो मैच को ड्रॉ खेला या मैच को लॉस किया, लेकिन प्रत्येक मैच में इस टीम ने गोल तक किया है। लेकिन डिफेंस वाइज भी प्रत्येक मैच में टीम 2 या 3 और कभी कभी तो 4-5 गोल तक भी कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस डिफेंस वाइज डाउन है, अटैकिंग वाइज काफ़ी शानदार है। अब गाइस बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकती है हमारे शबोली टीम क्रिएट करने के लिए
ड्रीम इलेवन पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो कायसर एस्पोर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू कौन यास्पोर। ओके, तो हेड टू हेड में अगर देखा जाए तो अभी तक कौन मतलब कायसर एस्पोर इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं किया, या तो मैच को लॉस किया या मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन कोनियास्पोर का जो परफॉर्मेंस हेड टू हेड में वो भी काफ़ी शानदार रहा है। लेकिन रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों टीमें जब भी खेलती है तो गोल तो करती हैं, लेकिन डिफेंस वाइज भी कहने के दोनों टीम गोल कंसीड भी कर देती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा वो इक्वली देखने को मिलता है। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीनों मतलब तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आपको कोनियास्पोर ही एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान चलता हूँ। और फाइनली गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस मैं मान के चला हूँ कि इस मैच में कम से कम कायसर एस्पोर एक गोल तो करेगी, क्यों? क्योंकि इसका अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है फिलहाल के टाइम पर, और कोनियास्पोर इस मैच में कम से कम दो गोल करेगी क्योंकि इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड कर देता है। तो इसलिए मैं मान के चला हूँ कि इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन अभी के लिए 1-2 की है, और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम सब उस पर नजर डालेंगे कायसर एस्पोर के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे कोनियास्पोर के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं कायसर एस्पोर के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस YouTube चैनल पर हम कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो लाते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का लिंक और टॉप के कॉमेंट से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ओके, अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं सबसे पहले कायसर एस्पोर के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस कायसर एस्पोर टीम तरफ से आपको कुछ लिमिटेड ही प्लेयर देखने को मिलेंगे, उन्हीं को टीम में ट्राई करना। मैमेथियम इस टीम की तरफ से 10 गोल निकाल चुका और 2 गोल इसने पेनल्टी में किए, तो इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है, फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है। तो चाहे तो टीम का कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके, मारियो है इस टीम की तरफ से 9 गोल कर चुका, तो ये भी एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, तो इनको भी टीम में जरूर ट्राई करेंगे। मुस्तफ़ा अगर ये स्टार्टिंग लाइनअप में आपको एज ए नंबर 10 खेलते नजर आए तो इनको टीम में ट्राई करना, बाकी आफ्टर लाइनअप ही देखना कि इसकी कहां पर। ओके, बैशान है जो कि इंपोर्टेंट प्लेयर है, तो इनको मैं ट्रेनिंग में ट्राई करूंगा। ओगोर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता प्लस असिस्ट पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं है, तो एक इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकता है। कार्लोस माने जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता ओनली, ज्यादा गोल असिस्ट आने का चांस कम रहता है। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी आप अपने स्क्रीन शॉट ले लेना। अब यहाँ जो टॉप प्लेयर है मैंने उनको टिक कर दिया है और उनको आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में हम देखा जाए तो उनूर बुलुट जो कि 7 असिस्ट निकाल चुका और एक गोल भी किया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मारियो इस टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर प्लस सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर। मैमथियम इस टीम तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ड्रॉप नहीं करेंगे। बैसान भी एक अच्छा प्लेयर है और गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है। बाकी के जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सबका भी आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं कायसर एस्पोर के प्लेयर्स के बारे में। गाइस कोनियास्पोर की टीम तरफ से फिलहाल के टाइम में जो हाईएस्ट गोल टेकर सोकोल सिका लेसी इस टीम की तरफ से 7 गोल निकाल चुका, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आपको ये स्टार्टिंग लाइनअप में एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलते नजर आएगा। और यहाँ से रहमानोविक इस टीम की तरफ से एक सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, तो इनको भी टीम में ट्राई करना। अहमद हसन अगर खेलेगा तो एज ए नंबर फॉरवर्ड खेलेगा और इनको टीम में ट्राई करना एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते। तो रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार इस प्लेयर, कंटिन्यू इसने परफॉर्मेंस किया अपनी टीम के लिए। और यहाँ से अब्दुल करीम जो कि 4 गोल निकाल चुका और असिस्ट पोटेंशियल भी प्लस डिफेंसिव पॉइंट भी काफ़ी अच्छा देता है। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी आप अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन यहाँ से ना इस टीम कोनियास्पोर की तरफ से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि यहाँ पर किसी भी प्लेयर पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि यही प्लेयर इस मैच में गोल करेगा। इस मैच में कोई भी मतलब इस टीम की तरफ से सारे प्लेयर बेस्ट हैं और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हमेशा कोई ना कोई अलग अलग निकल कर आता है। तो आप यहाँ जो टॉप प्लेयर है जिनको टीम में ट्राई करके चलना है, तो यहाँ से आप टॉप 3 को तो हम टीम में ट्राई करके चल नहीं चलना। बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आफ्टर लाइन में देख लेना कि कौन से प्लेयर की पोजीशन एज ए अटैकिंग है, तो उसी को अकॉर्डिंग आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी।
तो गाइज असिस्ट मैन में देखा जाए तो यहाँ से सरदार गुरलेर है जिसने 6 असिस्ट निकाले हैं और गोल में भी कंट्रीब्यूट है, और यहाँ जाइमर जिसने 5 असिस्ट निकाले हैं, अहमद हसन जिसने 5 गोल और 4 असिस्ट निकाले। मैंने बोला रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार इस प्लेयर की, एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। गुहरम्स जो कि इस टीम तरफ से 2 गोल निकाल चुका और असिस्ट पोटेंशियल है, कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें भी बना सकते हो आप एक लो स्कोरिंग मैच में। ओके, बाकी आपके सामने जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके, तो अब बात आती है इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे समूह लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं 1-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार ड्रीम इलेवन की टीम पर। हाँ दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं इस मैच की क्या रहेगी हमारी टीम। तो गाइस हम सबसे पहले गोलकीपर से शुरुआत करेंगे, उससे पहले हमने कोनियास पर को एक फेवरेट टीम मान के चले हैं और कायसरीस पर को एक एवरेज टीम मान के चले हैं, तो इसी के फेवर में हम 7-4 के कॉम्बिनेशन के अनुसार अपने ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे। ओके, तो गोलकीपर की बात की जाए तो यहाँ से मेरे हिसाब से कोनियास पर को गोलकीपर न लेते हुए हमें कायसरीस पर का गोलकीपर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट फॉर्म कोनियास पर का अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं बेहतरीन है, तो मुझे लगता है कि एस लंग इस मैच में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। ओके, डिफेंडर की बात की जाए तो यहाँ से गुई हेरम इस टीम तरफ से 2 गोल और 4 असिस्ट निकाल चुका है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का एक अच्छा खास दबादार रहेगा, तो टीम में ट्राई करना। उनूर बुलुट जो कि इस टीम की तरफ से असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, तो इनको भी हम बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे, इसने 7 असिस्ट निकाले हैं और 2 गोल भी किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बेदार की इस टीम तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। सको विक अगर एक खेलता है तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस डिफेंसिव पॉइंट देता है, इंटरसेप्शन टैकल और काफ़ी अच्छे पॉइंट दे जाते हैं, तो इन 3 प्लेयर को मैं अभी के लिए बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूँगा। अब आप उनका क्रेडिट देख रहे हो यार, क्रेडिट कितना हाई है। अब इस मैच में ना आपको क्रेडिट प्रॉब्लम काफ़ी आने वाली है, लेकिन वो कैसे सॉल्व होगी वो आफ्टर लाइनअप ही सॉल्व होगी, कि कौन से प्लेयर कौन सी पोजीशन खेलेगा उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी ना वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगी, यह बात याद रख रहा। ओके, तो बाकी यहाँ से निकोलस है और बाकी यहाँ जितने और भी प्लेयर्स हैं खेलेंगे जरूर, ये प्लेयर खेलेंगे जरूर, लेकिन इनका इतना डिफेंसिव पॉइंट नहीं आता, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। ओके, बाकी यहाँ से मुझे कोई डेमिरो की इंपॉर्टेंट हो सकता है अटैकिंग वाइज, लेकिन डिफेंस थोड़ा सा इसका डाउन से। ओके, बाकी यहाँ से जितना और प्लेयर्स उनको आप मतलब ड्रॉप ही करना। बात करें मिडफील्ड में तो यहाँ से आमिर एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है, प्लस गोल पोटेंशियल नहीं असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है। यहाँ से बैट टोलाक की इस टीम तरफ से एक ऐसा प्लेयर है जो असिस्ट और गोल पोटेंशियल प्लस डिफेंसिव पॉइंट देता है, और सोनर डिकमैन जो रिसेंट फॉर्म इसका भी काफ़ी शानदार है, तो हम यहाँ से इन तीनों प्लेयर को हम टीम में ट्राई करेंगे, लेकिन अगर इन तीनों को ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट खा जाएंगे तीनों प्लेयर, तो उस कंडीशन में हमें अभी के लिए सिर्फ टॉप प्लेयर को ध्यान देना जिनका रिकॉर्ड बेहतर है। बैसान जो कि डिफेंसिव पॉइंट अच्छा है, रहमान नोविक इस टीम की तरफ से सेकंड या थर्ड हाइस्ट गोल टेकर, तो ड्रॉप मतलब ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, मैम थियम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। सिलेक्शन आप देख रहे हो गया, सिलेक्शन वेरी लेस, लेकिन यही प्लेयर तो आपको वन साइड ग्रैंड लीग तक और 4 मेंबर इजी विन कराते हैं, तो इनको ड्रॉप मत करना। ओके, बाकी जितने और यहाँ से प्लेयर है ना इनको ड्रॉप ही करना है, क्योंकि उनका खेलने का चांस काफ़ी कम रहेंगे, तो ड्रॉप करना। ओके, बात करें सेंटर फॉरवर्ड में तो यहाँ से मारियो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, और यहाँ से शिका लेसी इस टीम की तरफ सेकंड हाइस्ट गोल मतलब फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर, ड्रॉप नहीं करूंगा। अहमद हसन जो कि इस टीम ने मतलब इस टीम के लिए इसने 5 गोल और 4 असिस्ट निकाले हैं, और कहीं ना कहीं फिलहाल टाइम पर फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है, तो इन 3 प्लेयर को हम अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करेंगे। अब बात आती है यहाँ से एक प्लेयर की, तो हमें यहाँ से कार्लोस माने और मुस्तफ़ा को ट्राई कर सकते हो, लेकिन बाकी मैं सजेस्ट किसी को करूँगा नहीं। ओके, बाकी को कोई खास बेहतर है नहीं, लेकिन अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये प्लेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पॉइंट देते हैं, अब इनका गोल आ जाए वो बात अलग है, लेकिन गोल आने का चांस थोड़ा सा डाउन है। अगर आपको लगे कि ये मैच लॉस स्कोरिंग जाएगी, 1-0 या 2-0 जाएगा, तो 1-1 जाएगा, तो उस कंडीशन पता क्या कर सकते हो, इन तीनों प्लेयर को मतलब ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ से इनका गोल नहीं भी आएगा तो डिफेंस ये बिना गोल के भी 20+ पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, तो उस कंडीशन में इन्हें ट्राई कर सकते हो, लेकिन अब हमें सिर्फ और डिफेंडर चाहिए। अब डिफेंडर में हम पिक कर चलेंगे सको बिक को। ओके, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ से देखो जनता जा रही है गुहिरम के साथ, गुहिरम तब बनाना चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन जब आपको लगे कि नहीं ये मैच क्लीन शीट जाएगा और कहीं ना कहीं ये कोनियास पर इस मैच में वन साइडेड विन करेगी, तो उस कंडीशन में कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन बना सकते हो, असिस्ट पोटेंशियल है, गोल पोटेंशियल भी है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं इसको भरोसा अभी इस मैच में नहीं दिखा रहा, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस डाउन है और अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हमें यहाँ से कैप्टन की बात की जाए मैं अपना कैप्टन अहमद हसन को बना के चला हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा। ओके, मैम थियम को मैं अपनी टीम को वाइस कैप्टन बना के चला हूँ, तो इस तरह की मेरी टीम है अभी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड को बेस के अनुसार टीम है,
ये रिकॉर्ड बेस के अनुसार टीम, लेकिन लाइनअप आने के बाद जो टीम रहेगी वो आपको आफ्टर लाइनअप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लेकिन सर्च करके मत करना, ओके। तो यहाँ से कैप्टन की बात की जाए तो आप यहाँ से मैम थीम को टीम को वाइस कैप्टन मतलब कैप्टन बना सकते हो और अहमद हसन को वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब आपके सामने दो अदर चॉइस ये भी है कैप्टन वाइस कैप्टन की, एक अच्छी खासी दावेदार है क्योंकि ये बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ से रहमानोविक रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, प्लस गोल पोटेंशियल रहे ही, वैसान असिस्ट पोटेंशियल प्लस गोल पोटेंशियल है, तो इनको भी वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हो। और यहाँ से आपके सामने ऑब्वियस पिक यहाँ से गुई हेयर में है, तो इनको भी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। लेकिन ये मेरी टीम है अकॉर्डिंग टू मतलब रिकॉर्ड प्लस इन प्लेयर्स के स्टेट्स, उसके अनुसार ये टीम, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी मैंने बोल दिया आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप का कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए अपना ख्याल रखना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी ख्याल रखना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय, गुड।